नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू का औचक निरीक्षण किया है। व्यवस्थाओं को लेकर डॉक्टर्स और प्रबंधन को निर्देश दिए हैं। इस दौरान सीपीएस ने मरीजों से भी बातचीत की। डॉक्टरों से अस्पताल में मौजूद दवाइयों को प्रिस्क्रिप्शन देने की अपील की। आपको ये बता दें कि कल न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसमें मरीजों को बेड और दवाइयां नहीं मिलने और मरीजों का इलाज जमीन पर किए जाने की जानकारी थी। प्रमुखता से न्यूज 18 ने इस खबर को उठाया था, इस मामले को उठाया था और कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल के एमएस से भी इस पर जवाब तलब किया था। और अब इस खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर खुद क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू का औचक निरीक्षण करने पहुंचे और जिस तरीके से खबर निकल कर आई थी कि यहां पर मरीजों को बेड्स नहीं है, जमीन पर लिटाकर उनका इलाज किया जा रहा है, जरूरी दवाइयां और इंजेक्शन भी उन्हें बाहर से ज्यादा मूल्यों पर खरीदने पड़ रहे हैं, ये तमाम व्यवस्थाएं सुंदर सिंह ठाकुर ने क्षेत्रीय अस्पताल जाकर देखी और वहां पर डॉक्टर्स और प्रबंधन को उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और इस खबर का बड़ा असर हुआ है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बीते कल की तस्वीर है जब न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और दवाइयां और इंजेक्शंस भी लोगों को बाहर से खरीदने पड़ रहे हैं, जमीन पर लेटाकर लोगों का यहाँ पर इलाज हो रहा था। ये तमाम खबरें न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने इसका संज्ञान लिया है और खुद क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू पहुंचकर उन्होंने अस्पताल में व्यवस्थाओं को देखा, डॉक्टर्स को, अस्पताल प्रबंधन को यहाँ पर उचित दिशा निर्देश दिए हैं, अतिरिक्त व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने खुद यहाँ पर मरीजों की प्रिस्क्रिप्शंस देखी और प्रबंधन को व्यवस्थाएं सुचारू रूप से और उन्हें सुधारने के निर्देश सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमीरपुर के भोरंज दौरे पर सीएम सुक्कू की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। यहां सीएम सुक्कू के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान कई मवेशी हेलीपैड से खदेड़े गए। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सीएम का हेलीकॉप्टर उतरने को है और उसी समय वहां मौजूद पुलिस बल गायों को खदेड़ रहा है। इसकी वजह से हेलीकॉप्टर के उतरने में भी देरी हुई है। हालांकि मवेशियों के हट जाने के बाद सीएम सुक्कू के हेलीकॉप्टर की सफल लैंडिंग जरूर हुई, लेकिन इस वाक्य ने सीएम की सुरक्षा के साथ साथ पुलिस की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं लैंडिंग का ये वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है और इसी मामले पर हमीरपुर की एसपी आकृति शर्मा से भी बातचीत की गई। उन्होंने कहा है कि ये नेचुरल तरीके से हुआ है, इससे पहले यहाँ पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद थी, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि सीएम के दौरे में थोड़ी सी देरी की वजह से यहाँ पर यह वाकया सामने आया है, लेकिन ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस महकमा इन मवेशियों को खदेड़ने में जुटा हुआ है और ऊपर हवा में सीएम का ये हेलीकॉप्टर है और आम जनता की भी यहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं, व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और जो लोग सीएम से मिलने इस हेलीपैड पर मौजूद थे उन लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो मवेशी यहाँ पर हैं ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से बेलगाम हो गए हैं और इन्हें खदेड़ा जा रहा है, ये लोगों की जान को भी खतरा साबित हो सकते थे। आप तस्वीरें देख सकते हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे और सोलन से बड़ी खबर है, जहां अब तक 173 परिवार विस्थापित हो चुके हैं। राहत शिविरों में ये लोग रहने को मजबूर हैं। बद्दी की साई और बवासनी पंचायत के लोग विस्थापित हो चुके हैं, राहत शिविरों में ये लोग रह रहे हैं। 100 से ज्यादा लोग 15 अगस्त को जो भीषण भूस्खलन हुआ था उसकी वजह से विस्थापित हो गए हैं। करीब 60 घर जमींदोज हो गए हैं। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर है, हालात का जायजा ले रही है और सोलन से आपको ये अपडेट दे रहे हैं। सोलन के साथ ही लगता हुआ ये बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां पर भारी नुकसान लोगों को हुआ है और जिस तरीके से यहां पर 15 अगस्त को भीषण भूस्खलन हुआ था, 60 घर उसकी जद में आ गए हैं। 100 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जो प्रभावित हुए हैं, राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं।
और आपको बता दें कि 173 परिवार यहां से विस्थापित हो चुके हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ वो राहत शिविरों में अपना समय गुजारने को मजबूर हैं। लोगों के घर उजड़ चुके हैं और 15 अगस्त को भीषण भूस्खलन के बाद ये स्थिति है, जिसका ग्राउंड जीरो पर जाकर न्यूज 18 ने जायजा लिया है। खांसी लगी बहुत ज्यादा, तो देखिए खांसी निकाल, पता नहीं अफसोस की क्या बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी कला देवी। कला देवी, हाँ जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 70 साल की है। क्या बचा आपके पास? कोई चीज नहीं बची हमारे पास, कुछ नहीं। अब जिल बोलता है घर में जाइए, कैसे जाइए, है नहीं हमारा घर, घर नीचे उतर खत्म। और रणबीर का रुख कर लेते हैं। रणबीर, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, इससे पहले आप मंडी में ग्राउंड जीरो पर गए थे, वहां पर किस तरीके से तंबू के नीचे लोग अपना अपनी जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर हैं, और आज आप यहां सोलन और इसके आसपास के जो कुछ पंचायती इलाके हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं, और आपके साथ कुछ प्रभावित भी संभवतः मौजूद हैं। जरा उनसे बातचीत कीजिए और उनका दर्द समझने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ उनकी मांग है प्रशासन से। जासमिन, सबसे पहले तो तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, ये जो विश्व मानव रूहानी केंद्र है यहाँ साई पंचायत का, जो सोलन जिले के बद्दी क्षेत्र के बिल्कुल साथ लगता है, कि यहाँ पर देखिए, आपने संख्या देखी होगी कि प्रभावित लोग कितने हो सकते हैं, तो लेकिन यहाँ पर गिना नहीं जा सकता कि कितने लोग यहाँ पर पहुंचे होंगे। और इससे दूसरी तरफ अगर हम एक और तस्वीर दिखाएं, तो दोपहर का भोजन जो है, अब जो प्रभावित परिवार है, जो विस्थापित हो गए हैं, वो किस तरह से यहाँ पर अब दोपहर का भोजन ले रहे हैं, और 15 अगस्त के बाद की ये स्थिति बनी हुई है। और जो मुझे बताया गया कि जो ये पंचायत है बबासनी और साई, और यहाँ पर अब तक जो प्रभावित परिवार है वो 173 उनकी संख्या है। गांव की महिलाएं हमारे साथ है, उनसे जरा बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम राम प्यारी है और मैं गांव सुनाने से बिलोंग करती हूँ। 15 अगस्त को सर हमारे यहाँ बरसात के कारण लैंडस्लाइड हुआ। कुछ बचा आपके पास? नहीं, बस थोड़ा बहुत जो लोगों ने सामान निकाला है, और आधा वही दब गया, और मतलब गांव के लोगों ने हमारी बहुत हेल्प की। हम तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, और जो हमारे पंचायत के प्रधान हैं उन्होंने हेल्प मांग मांग के सारे लोगों को इकट्ठा करके हमारे घरों से जो जरूरत का बचा है आपके पास, जमीन जगह घर? सर हमारे पास कुछ नहीं बचा, घर नहीं बचा, ना जमीन बची, कुछ भी नहीं बचा। बस थोड़ा बहुत जो सामान था वही निकला, जो और जो बाकी बचा था वो दब गया। हाँ जी, मेरा नाम रीमा है, गांव सील सुनानी से। आपके पास कुछ रहा है? अभी मैंने तो सुना कि गांव का तो नामो निशान मिट गया है। नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ना घर ना जमीन। जो हमने थोड़ा बहुत सामान निकाला था वही है, और जो लोगों ने निकाला बस बाकी सब दब गया। अब यही है? हाँ जी, यहीं पर ही है, 15 अगस्त। हाँ जी, आगे कुछ नजर आ रहा है कैसे चलेगा? जमीन नहीं है, घर नहीं है, परिवार बिखर गया है। हम सरकार से बस यही अनुरोध करते हैं कि हमें घर बनाने के लिए जमीन और थोड़ी सी खेती बाड़ी के लिए जमीन दे, उसी से हमारा गुजारा होता था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संगीतिका ठाकुर है और मैं सुनाणी से हूँ। जहाँ पे हमारे लैंडस्लाइड हुई है 15 तारीख को, जिस दिन दिशा याद हुआ था हमारा, उस दिन हमारे घरों में थोड़ी बहुत दरारें आ गई हुई, वहाँ पे रहने का कोई वो नहीं है कि हम वहाँ पर रहे, थोड़ी थोड़ी दरारें बढ़ रही है, वो तो हम बढ़ रही है। वो गाँव का गाँव खाली हो गया, गाँव पूरा खाली है, और वहाँ पे 2-3 घर है जो वो धीरे धीरे जमीन में जा रहे है। अच्छा, जो जो बाकी लोग हैं, जैसे इन्होंने बताया कि अब जो आप कहना चाह रही हैं जी? सर, इनके घर ना जो डैमेज, बिल्कुल डैमेज हो गए ना घर, साथ में ही इनके घर है हमारे। अच्छा। अभी उनमें दरारें पड़ रही है, लेकिन वो भी घर रहने के लायक नहीं है। और लोगों से भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है सर? सर कमल सिंह, सिर्फ सुनाने से बिलोंग करते हैं। यहाँ आपके पास रोजी रोटी का क्या साधन था? कोई सरकारी नौकरी है या कहीं और, या तो इंडस्ट्रियल एरिया है, नौकरी करते हैं? सर खेतीबाड़ी करते हैं, खेतीबाड़ी के ऊपर डिपेंड थे।
अपनी खेती थी उसी में फसल उगाते थे जी। अब कुछ भी नहीं है सर, टमाटर लगा रखे थे खेती बड़ी, अदरक लगाते थे उसमें जी। काफी हाँ जी, खड़ी फसल खत्म हो गई। हाँ जी, बाकी बीज जो दवाइयाँ ले रखती है वो भी सर वैसे उनके पैसे पेंडिंग पड़े हुए देने के लिए, बैंकों से लोन रखा था, एक फसल लोन ले रखे थे हम 6 महीने का, वो भी सर अभी वैसे का वैसे देने के लिए। अब बैंक भी ले कर्ज भी ले रखा था बैंकों से जी। गाँव में तो बहुत सारे लोगों ने भी लिया होगा, सबने हमारे गाँव ने मिलकर ले रखा था जी, जो पहले टाइम पे टाइम टू टाइम उसको चुकाते रहते थे। जैसे जैसे फसली लोन होता था हमारा तो उसमें जैसे उनकी रिक्वायरमेंट थी उसी हिसाब से उनको देते रहते थे ये। लेकिन अब सर बैंक वाले मांग रहे हैं, कहाँ से देंगे सर हम ना, तो फिर हाँ बीच बीच में बोल रहे हैं, कहते कि जमा करवाओ, कहते इसको ये तो सर कहाँ से देंगे अब बताओ। 1 लाख रुपया था सर हमारे गाँव में मैक्सिमम, सभी ने ले रखा था ये। हाँ जी, टोटल सब ने रखा। अब तो कुछ है नहीं पल्ले में, आप तो रह भी जो है प्रशासन के भरोसे है और ये जो केंद्र है इसके भरोसे। हाँ जी हाँ जी सर, उम्मीद करते हैं सर हमारा जो लोन है मैक्सिमम माफ होना चाहिए सर, कहाँ से देंगे सर हम कि सर बिल। अब तो फ्री बैठे हैं सर, सरकार दे रही है जो भी राशन पानी दे रही है उसमें। जासमीन ये कह रहे हैं अभी कि देखिए अब तो कुछ भी नहीं बचा, लोन लेके ले रखा है और अब ये कह रहे हैं कि घर बनाने के लिए तो जो जगह भी नहीं बची है, सरकार जो है मदद करे, जो जमीन दे घर बनाने के लिए। जो लोन इन्होंने लिया है किसानों ने, ये पूरा इलाका जो है किसानों का है, वो लोन भी माफ होना चाहिए। अब बैंक्स ये बार बार कह रहे हैं कि कर्जा जो लिया उसे वापस करो, अब हाथ में कुछ नहीं है तो कैसे चलेगा। और लोगों से बात, आपका क्या नाम? मेरा नाम निशा है, मैं साई पंचायत कतालड़ गांव की हूं और मैं महिला मंडल की प्रधान हूं। मैं यहां इन लोगों की सेवा में जो है अपना जो है योगदान दे रही हूं, जितना हमारे से बन पा रहा है मैं इनकी सेवा में, जो भी हमारी तरफ से जो भी कुछ हो रहा है मैं उन कार्यों में इनके साथ खड़ी हूं। हाँ जी, बाकी तो उस दिन आप वही थी उसी जगह? हाँ जी, मैं नीचे खाली गाँव में थी उस दिन। हाँ जी, पहले सील सुनानी खाली करा जी वहाँ से गांव, फिर उसके बाद हम खाली गांव में थे नीचे। कितना एरिया खाली किया गया है? 173 परिवार की तो अभी संख्या आ गई है, और बढ़ सकती है क्या? हाँ जी, और भी बढ़ सकती है, क्योंकि ये काम मतलब कि ये जो हो रहे ना हाथ से, ये जगह जगह हो रहे हैं अभी भी, और मकान भी खाली करने पड़ सकते। हाँ जी, हाँ जी, परेशानी है जी, जो है और बढ़ रही है जी। यहाँ पर स्थानीय निवासी उनसे ही बात कर, जरा बताएं क्या हकीकत है इस गाँव की? अब नामो निशान मिट गया है, अब कैसे आगे चलेगा, कुछ दिख रहा है कहीं? कब तक इसी तरह रहेंगे लोग? सर जी, जो हालात है वो इतने भयानक है कि हमारा दिमाग जो है उस चीज को समझ ही नहीं पा रहा है कि हुआ क्या है, दिल उसको मान ही नहीं रहा है, दिल में वो बात उतरी। बिल्कुल रणबीर, यहाँ पर लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है और अब अपनी जीवन की पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच बात करते हैं एक बड़ी खबर की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया है, अनुच्छेद 370 पर निरंतर सुनवाई जारी है, 12वें दिन की आज सुनवाई हो रही है और इस सुनवाई में क्या कुछ हुआ वो आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। आप देख सकते हैं यहां पर सीजेआई ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है, सॉलिसिटर जनरल से, अटॉर्नी जनरल से ये सवाल पूछा है कि आगे के लिए जम्मू कश्मीर के लिए क्या रोडमैप है, उसे पूर्ण राज्यत्व का दर्जा दिलाने को लेकर किस तरीके से रोडमैप केंद्र सरकार ने यहां पर तैयार किया है। और आपको बता दें 370 पर निरंतर सुनवाई हो रही है, 12वें दिन की आज सुनवाई है, सुनवाई को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। आज इस सुनवाई में अहम मोड़ है, जहां पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल से ये सवाल किया है कि जम्मू कश्मीर के लिहाज में क्या केंद्र सरकार के पास कोई रोड मैप है, क्योंकि जिस तरीके से स्थितियां बनी हुई हैं, आगे जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार ने क्या सोच रखा है, इस पर क्या रोड मैप है, ये सवाल पूछा गया है। और चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी सुशील पांडे का, इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या कुछ हुआ आज की कार्रवाई में अभी तक और आज की कार्रवाई को क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है? सुशील जी, देखिए साफ तौर से आज की सुनवाई इसलिए क्रूशियल है क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से सिलसिलेवार तरीके से ये बताया गया है कि आर्टिकल 370 को हटाने के पीछे वजह क्या रही और किन कारणों की वजह से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाया गया।
केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने ये जानकारी दी कि जो वहाँ के जो फिलहाल जम्मू कश्मीर की सीमावर्ती राज्य है वो अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग है, वहाँ की जो स्थिति है वो बिल्कुल बदली हुई है, वहाँ के युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक बड़ा प्रयास किया गया है और जिस तरह जम्मू कश्मीर के हालात उस दौरान वहाँ पर थे जहाँ पर अलगाववादी संगठन बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, आतंकी गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, स्टोन पेल्टिंग की कार्रवाई बहुत ज़्यादा हो रही थी, उस प्रक्रिया को कम करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा ये बड़ा कदम उठाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात चीफ जस्टिस की तरफ से उठाया गया कि जो फिलहाल यूनियन टेरिटरी होती है, क्या संसद के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी राज्य को यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं, जिसमें सॉलिसिटर जनरल ने दो महत्वपूर्ण बातें कही। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया है अभी, उसको आने वाले दिनों में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। ये अपने आप में एक बड़ा बयान फिलहाल केंद्र सरकार का आर्टिकल 370 के मामले में है, क्योंकि जिस तरह यूनियन टेरिटरी बदली गई और फिलहाल जम्मू कश्मीर अलग राज्य और लद्दाख अलग राज्य बना, जो केंद्र शासित प्रदेश था उसको लेकर यह बयान है कि आंशिक रूप से अभी फिलहाल वहां के हालात को संभालने के लिए आंशिक रूप से उसे फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, लेकिन भविष्य में जब वहां की स्थितियां सुधरेंगी, वहां के माहौल बदलेंगे, तो उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। जिस पर चीफ जस्टिस की तरफ से एक दूसरा सवाल था कि अगर आप पूर्ण राज्य के दर्जे पर विचार कर रहे हैं तो क्या भविष्य में कब वहां पर चुनाव होगा, इस पर फिलहाल सॉलिसिटर जनरल जो केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस विषय की जो तैयारियां हैं वो फिलहाल केंद्र सरकार कर रही है और जल्द ही इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से तीन बड़े सवाल किए। पहला सवाल ये था कि जो फिलहाल केंद्र सरकार का रोड मैप है जम्मू कश्मीर में तमाम चीजों को बदलने के लिए, उसको लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दे कि किस तरह जम्मू कश्मीर में हालात जो बदले हैं उसको लेकर सरकार किस प्रकार से तैयारियां करेगी और तमाम जो युवा हैं उनको किस तरह जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, ये केंद्र सरकार की तरफ से जानकारी देनी है। हालांकि अभी फिलहाल लंच ब्रेक हुआ है, लंच ब्रेक के बाद दोबारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वो बैठेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज सीधे तौर से सवाल केंद्र सरकार से किया गया कि आखिर जो बदलाव किए गए उन बदलाव को लेकर भविष्य में। सुशील, और यहाँ पर सीजीआई ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है जिसमें सीजीआई ने ये कहा है कि लोकतंत्र की बहाली बेहद महत्वपूर्ण है। सीजीआई ने इस बात पर जोर दिया है, साथ ही केंद्र सरकार से ये भी सवाल किया है कि क्या कोई समय सीमा तय है जिसमें पूर्ण राज्यत्व का दर्जा जम्मू कश्मीर लद्दाख को दिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि जो स्थायी नहीं हो सकता, किसी एक राज्य को आप यूनियन टेरिटरी बना दें और उसके बाद फिर उसे यूनियन टेरिटरी ही रखें, कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हनन भी एक तरीके से माना जाएगा। इस तरीके की बात भी इशारों में सीजीआई ने कही है और एक समय सीमा मांगी गई है सीजीआई की तरफ से कि इस पर पूरा जवाब दिया जाए कि क्या वो अवधि है जिस अवधि में क्या केंद्र सरकार के पास ये रोडमैप है कि आगे आने वाले समय में जम्मू कश्मीर लद्दाख को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा मिल सकता है। हालांकि अभी लंच ब्रेक हुआ है और इस पर जो सॉलिसिटर जनरल है उन्हें जवाब पेश अभी करना है। सुशील जी, देखिए साफ तौर से इस पूरे मामले में केंद्र सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना है और केंद्र सरकार को जानकारी देनी है कि किस तरह एक रोडमैप जम्मू कश्मीर की हालात को फिलहाल और सुधारने के लिए कदम केंद्र सरकार उठाएगी। लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर अन्य राज्यों से अलग राज्य है, यही बार बार सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अन्य सीमावर्ती जो राज्य हैं उसमें से जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य है, वहाँ की स्थिति जो है अन्य राज्यों से अलग है, इसलिए हमें लार्जर जो एक्टिव है उस आधार पर जम्मू कश्मीर का आकलन करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में हालात बहुत खराब थे, जिसमें न केवल उन्होंने स्टोन पेल्टिंग की प्रक्रिया की बात बताई बल्कि पुलवामा अटैक की भी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी कि किस तरह पुलवामा अटैक हुआ और एक बड़े स्तर पर, न केवल बड़े स्तर पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी बात कही गई।
तो ये तमाम जो घटनाएं फिलहाल जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों हो रही थी उसकी एक मुख्य वजह रही कि उस राज्य को किस तरह अपने आप में शामिल किया जाए और साथ ही साथ वहां पर रह रहे तमाम जो लोग हैं जिनके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है उनको संवैधानिक अधिकारों के मुख्य धारा में जोड़ा जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ऐसे बहुत अधिकार हैं जो वहां पर रह रहे लोगों को नहीं मिल पा रहे थे। भले ही आजादी 1947 में मिली हो लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि देश आजाद होने के बाद भी जम्मू कश्मीर में रह रहे लोगों को आजादी के बाद जो भी अधिकार मिलने चाहिए वो अधिकार उनको नहीं मिले हैं और आर्टिकल 370 को हटाने के बाद उन तमाम लोगों को इन अधिकारों से जोड़ा गया है और इन तमाम अधिकारों को उनको प्रदान किया गया है और इसी दिशा में फिलहाल अब केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है और इसीलिए साफ तौर से केंद्र सरकार ने ये कहा है कि चूंकि वहां पर रह रहे लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक मजबूत कदम उठाने का और एक मजबूत कदम उठाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अब 2 बजे के बाद दोबारा इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, देखना बेहद अहम होगा कि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में जो होने वाले बदलाव हैं वहां पर होने वाले जो चुनाव हैं उसके रोडमैप को लेकर किस तरह की फिलहाल तैयारी को लेकर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देगी। बिल्कुल सुशील, और यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल ने एक और अहम बात कही है अपने जवाब में। उन्होंने ये पेश किया है कि 5 साल पहले यहाँ पर जो नगर निगम के या जो अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव हुए थे उसके बाद से स्थितियाँ काफी बदली हैं, ना कोई स्टोन पेल्टिंग हुई है, ना किसी तरीके के दंगे फसाद वहां पर हुए हैं, अलगाववाद और आतंकवाद की घटनाओं में भी कमी आई है। ये जानकारी सॉलिसिटर जनरल ने अपने जवाब में पेश की है। ऐसे में उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि ये सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है, ये नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकता की बात है। अब इस तरीके से जो सॉलिसिटर जनरल का बयान आया है इसे किस तरीके से समझा जाए, किस तरीके से उनके इस जवाब को देखा जाए? सुशील जी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी राज्य को स्क्रैप यानी कि आर्टिकल 370 को लेकर जब एक सरकार एक बड़ा फैसला लेती है तो आज के परिवेश को देखते हुए नहीं लेती है। केंद्र सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया वो जम्मू कश्मीर के इतिहास को देखते हुए और जम्मू कश्मीर में आने वाले भविष्य को लेते हुए देखा गया और जिस तरह जम्मू कश्मीर में लगातार हालात बदले उसकी जानकारी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये भी देखने वाली है कि किस तरह अब जम्मू कश्मीर में हालात में बदलाव आया है, किस तरह वहाँ पर जो स्कूल्स हैं जो हॉस्पिटल्स हैं वो खुलने लगे हैं, जो तमाम वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनको फिलहाल मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को और जागरूक बनाने की कोशिश की जा रही है। स्थिति पहले ये थी कि कब कहाँ पर अटैक हो जाता था और उसका एक इम्पैक्ट इंटरनेशनली भी पड़ता था, उस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने ये बताया है कि किस तरह वहाँ पर जो युवा रह रहे थे वो किस तरह वहाँ पर मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं, किस तरह वहाँ पर जो पर्यटन है उसको बढ़ावा मिला है, जहाँ पर एक समय था कि लोग जम्मू कश्मीर जाने से डरते थे ऐसे में अब वहाँ पर निश्चित रूप से जो पर्यटन है वो बढ़ा है और उसकी स्थिति फिलहाल जम्मू कश्मीर की स्थिति को इंटरनेशनली लेवल पर दिखाने के लिए G20 में शामिल तमाम जो फिलहाल गेस्ट हैं उनको लेकर केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर गई थी, जहां पर वो ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि किस तरह जम्मू कश्मीर के हालात बदले हैं। ऐसे में कश्मीर जिस तरह बदला उसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 2 महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो फिलहाल जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में बदलाव किया गया और 2 यूनियन टेरिटरी बनाए गए, क्या इसका भविष्य कुछ और होगा? क्या केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में बदलाव को लेकर कोई लार्जर स्कीम है, कोई लार्जर रोडमैप है, क्या उसको और बदला जा सकता है? उसकी जानकारी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से जानना चाहता है कि क्या केंद्र सरकार के पास आने वाले दिनों में वहां पर चुनाव कराने की तैयारी को लेकर कोई एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है, और अगर यूनियन टेरिटरी फिलहाल अभी जम्मू कश्मीर या लद्दाख है तो क्या उसको आने वाले दिनों में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है और इस दिशा में क्या केंद्र सरकार काम कर रही है? इन तमाम पहलुओं की फिलहाल जानकारी चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार से मांगा है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि 2 बजे जब दोबारा इस पूरे मामले की सुनवाई होगी तो केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक जो तैयारियां की जा रही हैं या इसको लेकर जो रोडमैप अभी तक मौजूद है उसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष साझा करेंगे। जी
बिल्कुल सुशील, और अभी क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि लंच ब्रेक है, और लंच ब्रेक के बाद अगर आसान शब्दों में ये समझा जाए तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देशों के साथ, केंद्र सरकार से निर्देशों के साथ वापस आने को कहा है, और ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट के साथ साझा करने को कहा है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा दिलाने को लेकर क्या केंद्र सरकार ने कोई समय सीमा तय की है, या फिर पूर्ण राज्यत्व का दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र सरकार के पास क्या रोडमैप है, और किस ओर वो और इस पर किस तरीके से केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। इस जवाब के साथ सॉलिसिटर जनरल जो है लंच ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर इस पूरे मामले की सुनवाई एक बार फिर से शुरू होगी। आप नजर बना के रखें सुशील, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 जेकेएलएच पर खबरें लगातार जारी है, बने रही हमारे साथ। नमस्कार।